कोरोना महामारी के दौर में अस्पतालों व पैथोलॉजी केंद्रों पर पहुंच रहे मरीजों के साथ स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा लगातार दुर्व्यवहार के मामले सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला मंगलवार की सुबह रायबरेली के पुलिस लाइन चौराहे पर संचालित एक पैथोलॉजी केंद्र का है, जहां अल्ट्रासाउंड कराने आई दो युवतियों ने केंद्र पर गलत रिपोर्ट देने का आरोप लगाया और अपनी फीस वापस मांगी, जिस पर केंद्र पर तैनात कर्मियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, जिस पर पीड़ित ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों से भी केंद्र प्रबंधन ने बदतमीजी की। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। मैं आपका कहाँ रहती हैं? गुरुवारा। क्या मामला है यहाँ पे? सर, यहाँ का मामला है कि हमारी बहन के 6 साल से पैनिक अटैक की पेशेंट है। तो इनको ये फेफड़े में हल्का हल्का दर्द हो रहा था, तो हमने डीके मिश्रा जी के यहाँ दिखाया सिटी नर्सिंग होम में। उन्होंने अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया, वहाँ अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया, हमने यहाँ पे करवाया अल्ट्रासाउंड, तो इन्होंने 1 महीने की प्रेगनेंसी निकाल दी। जब हमने दूसरी जगह अल्ट्रासाउंड करवाया, रिपोर्ट नॉर्मल आई। फिर हमने यहाँ पे आके इनसे कहा कि हम इतनी बड़ी मिस्टेक थी, आपने हमारा पैसा ही वापस कर दीजिए। तो हमसे पैसा नहीं वापस होगा, आप कल मिली आ गए आके, ये है वो, कल सर अब नहीं आएंगे, ये वो कर रहे थे दुनियादारी। पुलिस को क्यों बुलाना पड़ा? सर, हमारे साथ इतनी बड़ी किसी पैनिक अटैक की पेशेंट है, वो कुछ भी कर सकती थी। माइंडली डिस्टर्ब रहती हमारे फादर जब से नहीं है, 6 साल से, जब से हमारे पापा खत्म हुए तब से माइंडली डिस्टर्ब रहते हैं। पुलिस से भी दुर्व्यवहार किया गया है क्या यहाँ? नहीं, पुलिस को हमको हम बुला के लाए अपने सपोर्ट के लिए, ना हमारी फीस वापस की जा रही थी, ना हमसे डॉक्टर बात। और दोबारा किस अस्पताल में हैं आप? श्री डायग्नोसिस सेंटर में। अच्छा सर, यहाँ पे अभी जब दोबारा डॉक्टर आए, दोबारा जांच हुई, तो सब कुछ नॉर्मल बता दिया गया, बता रहे हैं अब मिस्टेक हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।